आज हम उबले हुए आलू और बढ़िया तरी वाली रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि आपने अक्सर शादियों में खाई होंगी या किसी फंक्शन में खाई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लगभग 5 आलू हैं, इनको उबाल लिया है, तो उबालना जरूरी होता है। तो मैंने पहले इसको गर्म पानी के अंदर उबाल लिया है। अभी उबले हुए आलू हैं, देखिए हाथ लगा के देखता हूँ मैं, बिल्कुल उबल चुके हैं। तो अब इनको यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस बर्तन के अंदर। अब इसके अलावा मैं कौन कौन सी सामग्री यूज में लेता हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है, तो ये मैंने हरी मिर्च ली है, लगभग 4 हरी मिर्च काटी हैं। इसके अलावा ये थोड़े से हरे प्याज लिए, बस एक स्वाद के लिए लिए हैं मैंने, और लगभग 3 छोटे टमाटर लिए हैं। तो ये हमारी सामग्री हो गई, जिसमें हरी मिर्च ले ली है मैंने, टमाटर ले ली है, और थोड़े से हरे प्याज लिए हैं। अब बात करते हैं मसालों की, तेल वगैरह की। तो लगभग 2.5 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड तेल वगैरह यूज कर सकते हो। 1.5 चम्मच है धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच के लगभग मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और ये लगभग 10 लहसुन की कलियां ली है, तो मैंने इसको मोमदस्ते के अंदर पीस करके इसमें थोड़ा पानी मिला दिया, ये एक प्रकार से पेस्ट बन गया। तो साथियों, अब ये ग्रेवी वाली जो आलू की शानदार रेसिपी है, इसको बनाने का तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे टमाटर हैं, ये हरी मिर्च हैं, और जो हरे प्याज हैं, इनको हम पीस लेंगे। तो आप चाहो तो मिक्सी के अंदर इसको पीस सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, या फिर आप मोमदस्ते में इसको ग्राइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोमदस्ते का यूज कर रहा हूँ, तो इसमें इसको पीस लेता हूँ मैं। तो ये देखो, मैंने टमाटर को जो मोमदस्ते है उसमें पीसा है, आप चाहो तो मिक्सी का यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने इसको पीस के साइड में रख दिया है। इसके अलावा जो हरी मिर्च है, इसको भी मैंने पीस लिया है, तो एकदम पीसी हुई हरी मिर्च है ये। अब चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ, सबसे पहले ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई ली है मैंने, तो इसमें जो सरसों का तेल मैंने बताया था वो इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। अब ये तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें जीरा डालेंगे, इसको पकाएंगे लगभग 1 मिनट पर, 1 मिनट तक पका लेंगे इसको। तो जीरा पकने के बाद में जो हरी मिर्च हमने पीसी थी वो इसमें डालेंगे, और इसकी गैस है वो कम कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी, लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। इसको पकाएंगे थोड़ी देर, अब जो टमाटर हमने पीसे थे वो इसमें डालेंगे। तो हम यहाँ पे ग्रेवी बना रहे हैं, शानदार ग्रेवी। तो टमाटर डाल दिए मैंने, हरी मिर्च डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स करेंगे लगातार। अब सबसे पहले जो हल्दी थी आधा चम्मच से थोड़ा कम, वो इसमें डालेंगे। के बाद में जो मिर्ची पाउडर थी, लाल मिर्ची पाउडर, वो डालेंगे। अगर आपके पास में जो कश्मीरी मिर्च है, तो उससे जो ग्रेवी का जो कलर होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, तो उसका भी यूज आप कर सकते हो। आप हरा धनिया, जो धनिया पाउडर वो डालेंगे, और जो लहसुन है हमने एक पेस्ट बनाया था वो ग्रेवी के लिए ही बनाया था, वो डाल देंगे। और अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। टेम्परेचर है जो फ्लेम है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है ये पक जाए। तो ब्याह शादी में आप जाते हो, कहीं फंक्शन में जाते हो, तो आलू की जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है काफी शानदार होती है खाने में। तो आप घर पे ये वीडियो देख के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक शानदार रेसिपी मिल जाएगी। अब इसमें मैं जो थोड़े हरे प्याज थे, बस नाम मात्र के मैंने लिए थे, तो इसमें डाल दूंगा। फ्लेम को अब बढ़ा दूंगा मैं, अब इसको थोड़ा पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे साथियों, ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये बाद में एक पतली पतली झोल टाइप बन जाएगा। तो थोड़ा सा पानी यूज कीजिए इसमें, ताकि अच्छी ग्रेवी बन सके। जब तक ये पकता है, हमारे जो उबले हुए आलू हैं
उनको हम तोड़ मरोड़ लेंगे। इस प्रकार से कर लेंगे हम हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाकू से जाओ तो चाकू से कर सकते हो, चाहे हाथ से कर सकते हो। उबले हुए आलू हैं, आराम से टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इनको टुकड़ों के रूप में आसानी से तोड़ लिया है। तो ये हमारी लगभग ग्रेवी बन गई है। तो इसमें जो आलू थे हमारे उबले हुए, वो इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, देखने में पता चलता है कितनी स्वादिष्ट जो आलू की सब्जी है बनी है यहाँ पे। इसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो आलू थे वो मैन पकने में टाइम लगता है, तो वो ऑलरेडी पक गए हैं और ग्रेवी हमने ऑलरेडी बना ली है। तो बिल्कुल आपने शादियों में खाई होगी, फंक्शन में खाई होगी, लेकिन आप घर पे भी खाओगे अब। तो साथियों, अब हमारी ये जो रेसिपी है बनकर तैयार है। तो इसको हम स्वाद बढ़ाने के लिए जो गरम मसाला है वो डालेंगे। तो गरम मसाले से इसका स्वाद है काफी बढ़ जाता है। मैं गरम मसाला इसमें डाल देता हूँ, ये ऊपर से छिड़के ताकि इसकी खुशबू बाद तक रहे। तो साथियों, ये हमारी एक शानदार आलू की एक ग्रेवी वाली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, उबले हुए आलू की। तो कैसी लगी और तरीका कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप नई रेसिपी चाहते हो तो उसके बारे में बताइएगा, और रेगुलर रेसिपी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।